अब हम और कुछ बात करते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इन प्रॉपर्टीज का यूज देखा, अब ऑपरेटर की कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। उन ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज को हम फिर से यूज करके देखेंगे कम्प्यूटेशन में। कम्प्यूटेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन तो कन्फर्म ही है ना, कन्फर्म आता ही आता है। तो जैसे हमने लीनियरिटी की दो प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, एक वो मल्टीप्लाई वाली, ठीक है, मैं दोबारा से लीनियरिटी की कंडीशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लीनियरिटी ऑफ ऑपरेटर की बात करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली थी कि एक ऑपरेटर है जो एफ एक्स प्लस प्लस माइनस जी एक्स पर ऑपरेट हो रहा है, अगर वो इंडिविजुअल पर ऑपरेट होकर भी सेम वैल्यू देता है, ठीक है, तो वो ऑपरेटर ए क्या है, लीनियर है। ऐसी कॉन्स्टेंट वाली देखी थी। अच्छा, लीनियर ऑपरेटर कैसे होते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया मेरा, ऑपरेटर क्या हो गया, एक्स ऑपरेटर हो गया, ठीक है। अगर एक्स ऑपरेटर एफ एक्स प्लस जी माइनस जी एक्स पर प्लस जी एक्स पर ऑपरेट करे, ठीक है, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, एक्स इंटू एफ एक्स लिख सकता हूँ मैं, प्लस एक्स इंटू जी एक्स, सेम वैल्यू, मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेटर है क्या, अंदर कैसी एक एक करके ही तो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो यही मेरी जनरली इस वैल्यू के इक्वल सी होगी, ठीक है, तो यानी मेरा ऑपरेटर एक्स लीनियर है। अगर मेरा कोई ऑपरेटर स्क्वायर रूट ऑपरेटर है, ठीक है, कैसा ऑपरेटर है, स्क्वायर रूट ऑपरेटर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑपरेटर है, ठीक है, तो मैं इसे स्क्वायर रूट ऑपरेटर लिख दूँ। अगर ये मेरा ऑपरेटर एफ एक्स प्लस जी एक्स पर ऑपरेट होता है, ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स पर ऑपरेट होता है, ठीक है, और इंडिविजुअली ऑपरेट होता है, तो क्या वैल्यू इक्वल होंगी, देखो अगर इस पे ऑपरेट हुआ, ठीक है, तो ये क्या देगा मुझे, स्क्वायर रूट बना देगा किसका, एफ एक्स प्लस जी एक्स का, ठीक है। और अगर ये सेपरेटली क्या हुआ, एक दूसरे पर ऑपरेट हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ क्या, एफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स यानी एफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स, और ये दोनों वैल्यू ना भाई कभी इक्वल नहीं होती, ये दोनों वैल्यू कभी इक्वल नहीं होती, देख सकते हो तो, ठीक है, यानी रूट वन प्लस वन, अगर मैंने दोनों की वैल्यू वन वन मान ली तो अंडर रूट टू बन जाएगी ये, और ये बन जाएगी टू रूट वन, यानी अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट वन बन जाएगी, ठीक है, यानी ये टू बन जाएगी, ये रूट टू बन जाएगी, जो वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। इसी तरीके से और तो ये कैसा ऑपरेटर हो गया, एक मेरा नॉन लीनियर ऑपरेटर, कैसा ऑपरेटर हो गया, नॉन लीनियर ऑपरेटर हो गया। इसी तरीके से और एग्जाम्पल है इसके नॉन लीनियर ऑपरेटर के, स्क्वायर ऑपरेटर अगर हम देखेंगे, क्यूब ऑपरेटर वगैरह, जो भी तुम लगा के देखोगे कि वो लीनियरिटी की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं या भाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं लीनियरिटी की और कंडीशन पढ़ा रहा था, जैसे पहली कंडीशन होगी, ऐसी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट और कंडीशन है जिसको हम भाई बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं अपनी ऑपरेटर एलजेब्रा में, कम्यूटेशन में यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब हम दूसरी बात करता हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। अगर मेरे पास तीन ऑपरेटर इस तरीके से हैं कि a प्लस बी ऑपरेटर है और उसका कम्यूटेशन दिया है किसके साथ, c ऑपरेटर के साथ, किसके साथ कम्यूटेशन दिया है, c ऑपरेटर के साथ, तो यानी अगर ये किसके इक्वल आ जाता है, a कम्यूटेशन विद c, ठीक है, प्लस b कम्यूटेशन विद c, अगर ये इसके वैल्यू दो ऑपरेटर, तीन ऑपरेटर इसके वैल्यू फॉलो, ये रूल को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, इस रूल को फॉलो कर लेते हैं, तो भी वो लीनियर ऑपरेटर है, तो भी वो कैसे ऑपरेटर है भाई, लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। और अगली बात करूं मैं, अगर इसको दोनों बता दूं कि a प्लस बी कम्यूटेशन दिखाया जाए c प्लस डी के साथ, तो ये किसके इक्वल आ जाए, a का कम्यूटेशन c के साथ प्लस b का कम्यूटेशन c के साथ प्लस a का कम्यूटेशन किसके साथ, d के साथ प्लस b का कम्यूटेशन t के साथ, तो ये भी भाई कंडीशन बनती है लीनियरिटी की, ये भी कंडीशन किसकी बनती है भाई, लीनियरिटी की। इसको उल्टा करोगे तो भी मतलब वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारी लीनियरिटी की कंडीशन बन जाती है। अब हम इसको पढ़ेंगे कि इसका यूज कैसा होगा। देखो अगर मेरे पास कोई ऑपरेटर ऐसा हो, कोई ऑपरेटर आ जाए मेरे पास, ठीक सर एग्जाम्पल आ जाए क्या कि डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है, इंटू टू एक्स का मुझे क्या कम्यूटेशन चेक करना है, ठीक है, तो टू अगर मेरा क्या है, टू का तो एक कॉन्स्टेंट है, क्या है, टू मेरा एक कॉन्स्टेंट है, तो मैं कॉन्स्टेंट को बाहर भी ले सकता हूँ, ठीक है, ये लीनियरिटी की कंडीशन चेक कराएंगे, लीनियरिटी की कंडीशन फॉलो करेगा तो टू बाहर लिया जा सकता है, ठीक है, टू बाहर लिया गया तो ये क्या बन जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती थी हमारे लिए,
वन होती थी, टू इंटू वन, यानी इसकी कम्यूटेशन वैल्यू क्या आ गई, टू, डायरेक्ट टू निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन हर जगह वैल्यू नहीं होगी, एक्स मेरा लीनियर ऑपरेटर है इसलिए इसका कॉन्स्टेंट बाहर आ गया है, ध्यान रखना। ये कंडीशन मैंने पहले बताई थी तब होगी जब लीनियर ऑपरेटर, मुझे पता है एक्स मेरा लीनियर ऑपरेटर है भाई, क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर यूज होंगे ना सब लीनियर ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। ये हम पोस्टुलेट्स में पढ़ लेंगे कि भाई वो लीनियर ऑपरेटर होते हैं, क्या लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें आगे बात करने वाला हूँ, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टेंट हो तो बाहर निकलोगे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं वैल्यू, अगर मेरे साथ कोई के के, अगर मेरा कोई क्या मल्टीपल, अगर अगला एग्जाम्पल हो क्या, फाइव इंटू डेल ओवर डेल एक्स, फाइव इंटू डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स, ठीक है, इस टाइप का एग्जाम्पल हो तो डेल ओवर डेल एक्स भी मेरा लीनियर ऑपरेटर है, मैं देख चुका हूँ, ठीक है। तो अगर बात करेंगे 5 into del over lx, 5 बाहर आ जाएगा, del over del x into x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 5 into 1, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 1 मिल जाएगी। अगला मैं एग्जांपल बात करता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो 5 into del over del x into 7 into x, ये दो ऑपरेटर हो, ठीक है, तो इनकी कम्यूटेशन क्या वैल्यू, देखो ये भी लीनियर, इसका भी 5 बाहर और इसका 7 बाहर, 5 into 7, अब अंदर क्या बचेगा, del over del x into x, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू बचेगी, 5735, और इसकी वैल्यू क्या होती है 135, इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई 35। इस तरीके से हम डायरेक्ट ट्रिक से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हमारी कम्यूटेशन वैल्यू बाहर आएंगी, ठीक है, और उनको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम आगे की बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है, अगले कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरा एग्जाम्पल अगर हो, मेरा जनरल एग्जाम्पल इस तरीके से हो कि अगर मैं इसे जनरली लिखूं कि m डेल ओवर डेल x, और यहां कोई n लिख लूं और x की पावर n कर दूं, ठीक है। देखो अब इसको देख समझेंगे बहुत ध्यान से, ये कोई जनरल बात हो गई है तो जनरल बात भी हो जाएगी। जैसे m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, तो m इंटू एल बाहर आ गया, तो अंडर ऑपरेटर मेरा क्या बचेगा, डेल ओवर डेल x और x की पावर n। मैंने देखा था इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, एन एक्स के एन माइनस वन, एम इंटू एल इंटू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यही मेरी इसकी कम्यूटेशन वैल्यू होगी, एम एल एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यही क्या होगी मेरी इसकी कम्यूटेशन वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखो अभी हम एक्स की पावर में बना रहे थे, एक्स की पावर में बताते जा रहे थे, ठीक है। अगर मेरी पावर डेल एक्स डेल ओवर डेल एक्स की हो जाए, अगर मेरी पावर डेल ओवर डेल एक्स की हो जाए ना, फिर देखो फिर क्या आता है, फिर रिलेशन क्या बनता है, ठीक है। तो हम जैसे हम देखेंगे कि पावर अगर मेरी होती है डेल ओवर डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इनटू एक्स, ठीक है, ये ऑपरेटर है मेरा, ऑपरेटर ये है, ये किसी फंक्शन पर ऑपरेट हो रहा है तो क्या वैल्यू देगा, ठीक है। वो ये है कि भाई पहले एक बार तो ऑपरेट करा के देख लें डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको हम उसी तरीके से लिख भी सकते हैं कि क्या, जैसे हमने लिखा था ए इंटू बी सी वाला रिलेशन, उसी तरीके से इसको खोल कर देखो, क्या डेल ओवर डेल एक्स इंटू डेल ओवर डेल एक्स और एक्स, ठीक है, वही खोलो ना, सीखो डेल ओवर डेल एक्स, इसको इसके साथ लेंगे पहला कम्यूटेशन, और ये एक्स मेरा डेल ओवर डेल एक्स राइट साइड में है तो राइट साइड में बाहर आ जाएगा, प्लस ये अब इसके साथ लेंगे और ये डेल ओवर डेल एक्स लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स इन कम्यूटेशन भी देख, ये क्या बन जाएगा, वन इंटू डेल ओवर डेल एक्स, प्लस ये क्या बन गया, डेल ओवर डेल एक्स इंटू वन, क्या बन गया, टू डेल ओवर डेल एक्स। देखो कहीं ना कहीं ये भी तो ऐसा हो रहा है कि ये टू एक्स आ गया, इसकी पावर वन होगी। अगर ये इस तरीके से हो अगला एग्जाम्पल में, डेल ओवर डेल एक्स का क्यूब इंटू एक्स, ठीक है, तो क्या वैल्यू होगी, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो भाई इसको सॉल्व करके देखते हैं, वही क्या, डेल ओवर डेल एक्स एक फंक्शन ले लो और दूसरा क्या ले लो, डेल ओवर डेल एक्स का स्क्वायर एक ऑपरेटर ले लो और इसका कम्यूटेशन एक्स के साथ देखो, ठीक है। अब इसको वही सॉल्व करो, खोलो पहले तो कि डेल ओवर डेल एक्स बाहर आ गया, एक्स के साथ ले लिया और ये क्या आ गया, डेल ओवर डेल एक्स का स्क्वायर बाहर आ गया, प्लस वही ले लिया डेल ओवर डेल एक्स बाहर ले लिया और डेल ओवर डेल एक्स का स्क्वायर का कम्यूटेशन ले लिया एक्स के साथ, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, भाई इसकी वैल्यू वन होती है और ये क्या हो गया, डेल ओवर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो इसकी वैल्यू हमने टू डेल ओवर डेल एक्स यहाँ से देख ली, तो ये वैल्यू टू डेल ओवर डेल एक्स का मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया, डेल ओवर डेल एक्स का स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया, टू डेल ओवर डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, थ्री डेल ओवर डेल एक्स का
स्क्वायर। देखो ये भी तो एक जनरल तरीका हो रहा है, जैसे हम देखते जा रहे हैं डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स वन था, डेल ओवर डेल एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स टू डेल ओवर डेल एक्स था, इसी तरीके से डेल ओवर डेल एक्स का क्यूब इंटू एक्स क्या हो गया थ्री डेल ओवर डेल एक्स का स्क्वायर। तो ये भी इसका मैं जनरल फॉर्मूला लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ भाई जनरल फॉर्मूला? देखो जनरल फॉर्मूला हमें डायरेक्ट रिलेशन देगा कितनी भी पावर आ जाए। अगर मैं इसकी बात करूं कि डेल ओवर डेल एक्स की पावर एम है और इधर एक्स है, इधर पावर देखो एक्स ही होनी चाहिए भाई, ठीक है। अभी मैंने इसकी यहाँ पावर नहीं बढ़ाई है, कभी पावर बढ़ा के खुद अपने से फॉर्मूला बनाओ, अपने से कोई फॉर्मूला नहीं बनाना है। जब मैं बता रहा हूँ तो मेरे यूज करना, मेरे ही कॉन्सेप्ट लगाओ भाई, तभी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब इसको जनरल वे में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, एम डेल ओवर डेल एक्स की पावर एम माइनस वन, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, जनरल वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखो दोनों कॉन्सेप्ट को ना एक सेकंड ला लेना, एक तो ये बना फॉर्मूला, एक ये बना था कि डेल ओवर डेल एक्स हो और x की पावर n हो, तो ये क्या बन जाएगा n x की n माइनस वन, ठीक है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के एक जगह प्लीज कभी मत लगा लेना, उसे सोल्व करके ही देखना, ठीक है। क्या कभी तुम लोग ये करके बैठे हो कि डेल ओवर डेल x की पावर m गिवन हो गई और x की पावर n गिवन हो और दोनों को ऑपरेट करा बैठो, ठीक है, और इसको लिख दो कि m डेल ओवर डेल x की पावर m माइनस वन इंटू n x की पावर n माइनस वन। भाई ये कभी इक्वल नहीं होता है, ठीक है, ये कभी इक्वल नहीं होता है, इसको ध्यान रखेंगे, ये कभी इक्वल नहीं होता है, ये हमेशा अलग अलग सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा अलग अलग करके सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, वो हम असाइनमेंट में देंगे आपको क्वेश्चन, या खुद सॉल्व कराऊंगा मैं बाद में जब टेस्ट में देंगे। कुछ तो काम तुम भी करो ना, होमवर्क हो गया भाई होमवर्क, ये कोई भी इसकी पावर दो इसकी पावर तीन मान के कर लेना और तुम सॉल्व करके दिखा। देखो अब ऑपरेटर की मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भाई ऑपरेटर जो होते हैं ना भाई, वो हमारे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो करते हैं। किसको? एंटीसिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन एंटीसिमेट्रिक। तो अगली प्रॉपर्टी मेरी यही कहती है, ऑपरेटर फॉलोज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। क्या? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो करता है। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है क्या? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है क्या? ऑपरेटर का कम्यूटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ जब, तो ऑपरेटर कम्यूटेशन फॉलोज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, सिमेट्रिक क्या है, एंटीसिमेट्रिक क्या है? देखो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है मेरा, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू एफ माइनस एक्स के इक्वल आ जाती है ना, तो वो होता है सिमेट्रिक। वो कैसा हो जाता है? सिमेट्रिक। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसकी वैल्यू माइनस ऑफ माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाती है ना, तो वो फंक्शन हो जाता है एंटीसिमेट्रिक। कैसा हो जाता है? एंटीसिमेट्रिक भाई। क्या हो जाता है? एंटीसिमेट्रिक, यानी एक्स को एक्स के माइनस से रिप्लेस कर दो तो एंटीसिमेट्रिक। अब ऑपरेटर के कम्यूटेशन में क्या है ये एंटीसिमेट्रिक? ऑपरेटर के कम्यूटेशन का क्या रोल है? देखो ऑपरेटर में अगर हम जनरली लिखते हैं ए बी का कम्यूटेशन, ठीक है, ये क्या है? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो कर रहा है। जब ए बी का कम्यूटेशन किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ बी ए के कम्यूटेशन के, यही है ऑपरेटर का एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ये रिलेशन बहुत काम आने वाला है, यही क्या है? ऑपरेटर का एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब देखो जितने भी एग्जांपल मैंने कराए थे, अगर मैं उनके ऑपरेटर की पोजीशंस बदल दूं, ठीक है, जैसे मेरा डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स क्या था, क्या आया था मेरा, ये वन आया था। अगर मैं इनकी पोजीशन आपस में बदल दूं कि एक्स इंटू डेल ओवर डेल एक्स करके देखेंगे, तो ये ऑपरेटर जैसे ही एंटीसिमेट्रिक रिलेशन फॉलो करता है, यानी ये ए बी का कम्यूटेशन हो गया, अब ये बी ए का कम्यूटेशन हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा? माइनस साइन इंक्लूड, ये क्या बन जाएगा? माइनस वन। जैसा और अगला एग्जांपल हो, डेल ओवर डेल एक्स एक्स की पावर एन को कम्यूटेशन क्या लिखा था मैंने? एक्स एक्स की एन एक्स की एन माइनस वन, ठीक है। अब अगर मैं एक्स की पावर एन और डेल ओवर डेल एक्स का कम्यूटेशन लूँ ना भाई, तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यही है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो सारों को अगर मैं उनकी पोजिशन बदल दूँ तो सबके आगे कौन सा साइन आ जाएगा? निगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर का कम्यूटेशन हमेशा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो करता है, ठीक है, यही सीखेंगे। और अब हम एक एक करके क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर की बात करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम क्वांटम मैकेनिक्स के जो ऑपरेटर यूज होते हैं ना, उनका कम्यूटेशन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना बात कर लेते हैं पोजिशन ऑपरेटर का कम्यूटेशन। किसके बात कर लेते हैं? पोजिशन ऑपरेटर के कम्यूटेशन की, ठीक है। तो पहला कम्यूटेशन ऑफ पोजिशन ऑपरेटर्स, किसका? पोजिशन ऑपरेटर्स, ठीक है। देखो डायरेक्ट मैं बताऊंगा, सॉल्व करके एक एक दिखा दूंगा, ठीक है।
कम्यूटेशन ऑपरेटर्स तो कौन कौन से होते हैं हमारे, पोजिशन ऑपरेटर, एक्स ऑपरेटर, वाई ऑपरेटर, जेड ऑपरेटर, यही तो कम्यूटेशन ऑपरेटर होते हैं। इनका आपस में देखो, देखो ऑपरेटर की एक और प्रॉपर्टी यहाँ आ जाएगी, क्या ऑपरेटर की एक और प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेंगे क्या, कि ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट विद इट्सेल्फ, कम्यूट विद इट्सेल्फ एंड इट्स पावर। ठीक है, देखो भाई क्या है, कोई भी ऑपरेटर ए हो गया ना, वो अपना ए के साथ तो हमेशा कम्यूट करेगा ही, ए के साथ तो हमेशा कम्यूट करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर और उसकी अपनी पावर के, और उसकी कितनी पावर हो उसके साथ भी वो कम्यूट करेगा ही करेगा, यही प्रॉपर्टी ये बता रही है। अब जैसे मैं एक्स वाई जेड का कम्यूटेशन देखूं, तो एक्स एक्स के साथ हमेशा कम्यूट करेगा ही करेगा, तो वाई वाई के साथ भी तो कम्यूट करेगा भाई, तो और जेड जेड के साथ भी कम्यूट करेगा। ये तो हमने प्रॉपर्टी से बता दिया डायरेक्ट कि सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सब जीरो के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि सब एक दूसरे से कम्यूट करेंगे। अब पोजिशन ऑपरेटर का कम्यूटेशन देखते हैं। ठीक है, पोजिशन ऑपरेटर आपस में कम्यूट कर देना, जैसे मैंने बताया एक्स एक्स क्या होगा, ऑलवेज सेम कम्यूट करेंगे भाई, प्रॉपर्टीज है एक्स एक्स की पावर एन से कितनी भी पावर हो भाई ऑलवेज कम्यूट करेगा। अब बात करते हैं एक्स वाई एक दूसरे से कम्यूट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, एक्स वाई एक दूसरे से कम्यूट करते हैं नहीं करते, देखेंगे कैसे, ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट करा के देख लेंगे। ठीक है, तो वही होगा एक्स वाई माइनस वाई एक्स ऑपरेट ऑन एनी फंक्शन, क्या साई एक्स पर ऑपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स इंटू वाई साई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स साई एक्स ऑपरेट कराओ भाई, पहले ये फिर ये तो ये क्या बन जाएगा, एक्स ऑपरेटर वाई इंटू साई एक्स माइनस वाई ऑपरेटर एक्स इंटू साई एक्स। फिर अगला ऑपरेटर कराओ एक्स वाई साई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स इंटू साई एक्स, दोनों देखो वाई एक्स लिख लो या एक्स वाई लिख लो, एक्स वाई साई एक्स माइनस एक्स वाई साई एक्स। ठीक है भाई, क्या आ गया जीरो, तो यानी ये भी एक दूसरे से कम्यूट करते हैं। तो एक मैं जनरल बात बताऊं नहीं भाई, कोई भी पोजिशन ऑपरेटर हो ना, कैसे ऑपरेटर हो, पोजिशन, यानी पोजिशन का नेचर कैसा होता है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, या हम बात करें कि कोई भी मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर हो ना, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर आपस में हमेशा कम्यूट करेंगे करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स वाई के साथ हो या एक्स जेड के साथ हो या वाई जेड के साथ हो, हमेशा क्या करते हैं, कम्यूट करते ही करते हैं, ऑलवेज कम्यूट। ठीक है, ठीक है, तो मैं लिख दूं पोजिशन ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट विद इटसेल्फ एंड, ठीक है, तो हमेशा वो कम्यूट करते ही करते हैं एक दूसरे से। तीसरे की बात करूं, अगर मैं और जनरल बात कहूं, ठीक है, कि कोई भी पावर भी ले लूं कि एक्स कुछ एक्स की पावर टू वाई की पावर तीन है, कम्यूट करेंगे या नहीं करेंगे, भाई सब कम्यूट करेंगे क्योंकि इनका नेचर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। तो एक सच बात बताऊं, मल्टीप्लिकेटिव नेचर ऑलवेज कम्यूट विद ईच अदर। ठीक है, तो मैं बात करूं मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट विद ईच अदर, ऑलवेज कम्यूट विद ईच अदर भाई, कि कितने भी मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर हों वो हमेशा एक दूसरे से कम्यूट करते ही करते हैं। ठीक है, पोजिशन ऑपरेटर का कम्यूटेशन खत्म हो गया। आप कितने ही खेल करते रहना, कभी एक्स की पावर कुछ ले लेना, बाई की, जेड की, कुछ भी। अब जैसे मैंने मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूटिव इच अदर, इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि एक्स है कोई ऑपरेटर और वी एक्स पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर का नेचर भी तो मल्टीप्लिकेटिव होता है, ये भी हमेशा एक दूसरे से कम्यूट करेंगे ही करेंगे क्योंकि वी एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स हाफ के एक्स स्क्वायर की बात करूंगा मैं। ठीक है, देखो के एक्स हाफ के क्या है, बाहर आ जाएगा एक्स इंटू एक्स, और ये हमने देखा था ये कम्यूट कर रहा है, क्या वैल्यू आ जाएगी जीरो, क्या वैल्यू आ जाएगी जीरो। ठीक है, तो हमेशा ये कम्यूट करेंगे करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम किसकी, कम्यूटेशन ऑफ किसका, कम्यूटेशन ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कम्यूटेशन ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम एक दूसरे से क्या कम्यूट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, और मोमेंटम का पोजीशन के साथ कम्यूटेशन, मोमेंटम का पोजीशन के साथ कम्यूटेशन। तो सबसे पहले मैं दूसरा बात करता हूं, कम्यूटेशन ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर, कम्यूटेशन ऑफ क्या मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर क्या होते हैं मेरे, मैंने बताया पी एक्स पी वाई पी जेड, वैल्यू क्या होती है इसकी, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, इस तरीके से इनकी वैल्यू होती है। ठीक है,
अब हम देखेंगे px क्या, px कम्यूट करता है, px है, देखो तो ये तो प्रॉपर्टी ही है भाई कि कोई भी ऑपरेटर हमेशा खुद से और उसकी पावर से कम्यूट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ क्या px py से भी कम्यूट करता है क्या भाई, ठीक है, अगर इनका कम्यूटेशन देखना है तो वही ऑपरेटर क्या किस पे लगा के देखोगे, किसी भी फंक्शन पर, किसी भी फंक्शन पर लगा के देखो कि भाई क्या रहा है, वही लिखो px py माइनस py px और किसी भी फंक्शन पर इसको अप्लाई कर दिया, px py और py px की वैल्यू, सबकी वैल्यू लिख के देख लो भाई क्या होती है, px की वैल्यू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल वाई, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल वाई, और इसकी क्या होगी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, और ये सब किस पर ऑपरेटर होंगे, दोनों से माइनस आयोटा एच क्रॉस का होल स्क्वायर क्या आ गया कॉमन आ गया, माइनस आयोटा एच क्रॉस का होल स्क्वायर दोनों से कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा डेल ओवर डेल एक्स इंटू डेल ओवर डेल वाई माइनस डेल ओवर डेल वाई इंटू डेल ओवर डेल एक्स, और ये किस पे ऑपरेट होंगे साई एक्स पे, ठीक है। तो अब देख रहे हैं ये क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है और एच क्रॉस का स्क्वायर, ठीक है, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया होगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, वो माइनस आ गया होगा, और एच क्रॉस का स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। बाकी आप इसको ऑपरेट कर करके देखेंगे कि डेल एक्स पहले डेल एक्स डेल वाई और ये डेल वाई डेल एक्स आपस में एक दूसरे से ऑपरेट हो जाए तो एक ही बात होती है, ठीक है। तो डेल ओवर डेल एक्स क्योंकि डेल ओवर बाई साई एक्स माइनस डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई साई एक्स, ठीक है। ये यूलर्स थ्योरम को वैसे भी फॉलो करते हैं कि डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई एक दूसरे से ऑपरेट करेंगे तो ये क्या देंगे जीरो, तो इंटू जीरो क्या वैल्यू बन जाएगी जीरो, यानी ये ऑपरेटर हमेशा कम्यूट करते हैं, px py के साथ भी कम्यूट करता है, px px के साथ तो करता ही करता है, py के साथ भी करता है। सिमिलरली px किसके साथ कम्यूट करेगा px by pz के साथ भी कम्यूट करेगा, इसी तरीके से py भी pz के साथ कम्यूट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर आपस में भी हर डायरेक्शन में px py के साथ, py px के साथ, px pz के साथ, pz px के साथ, px py के साथ, px हमेशा कम्यूट करते हैं, ठीक है। अगर मैं इनकी कुछ पावर्स ले लूं क्या उनके साथ भी कम्यूट करेंगे, बिल्कुल कम्यूट करेंगे भाई, जब ऑपरेटर उसके साथ कम्यूट कर रहा है तो उसकी पावर के साथ भी कम्यूट करेगा, ठीक है। जैसे मैं अगला एग्जांपल ले लेता हूं कि px क्या py की पावर से कम्यूट करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, करेगा करेगा। px pz की n पावर ले लो चाहे तो उसके साथ भी कम्यूट करेगा भाई, कर रहा है तो कर रहा है। अब देखते हैं, देखो अब हमने दो ऑपरेटर पढ़ लिए पोजिशन और मोमेंटम, अब पोजिशन मोमेंटम का इंटर आपस में एक दूसरे से देखते हैं कि कम्यूट करते हैं या नहीं करते हैं, और यही तो हाइजेनबर्ग कह रहा था कि भाई हमारा पोजीशन और मोमेंटम निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई क्या पोजीशन और किसका मोमेंटम का आपस में ऑपरेटर कम्यूटेशन, ठीक है। तो मैं देखता हूं क्या पी एक्स एक्स के साथ कम्यूट करता है या नहीं करता, ठीक है, इसका कम्यूटेशन देखना है। तो वही करेंगे ना भाई कि पी एक्स ले लिया और x ले लिया माइनस x ले लिया px ले लिया, किस पे कम्यूट करा के देखेंगे ये किस ऑपरेटर फंक्शन पे साई x पे, ठीक है। px की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा h क्रॉस डेल ओवर डेल x, x ऑपरेटर ये ऑपरेटर माइनस माइनस आयोटा h क्रॉस डेल ओवर डेल x ऑपरेटर, ठीक है, साई x ये दोनों पे ऑपरेट करेगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस दोनों से बाहर आ गया, माइनस आयोटा एच क्रॉस इधर क्या बचा डेल ओवर डेल एक्स, एक्स माइनस एक्स डेल ओवर डेल एक्स दोनों में क्या साई एक्स, दोनों में अलग अलग ऑपरेट करा के देख लो भाई साई एक्स को, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स एक्स इंटू एक्स साई एक्स, ठीक है, माइनस एक्स डेल ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा साई एक्स, देखो भैया बना लो माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस बाहर आ गया, ठीक है, यही वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके बने क्या करना है पहले एक्स को ऑपरेट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा एक्स इंटू साई एक्स बन जाएगा, फिर इधर क्या करेंगे एक्स डेल ओवर डेल एक्स करेंगे ये साई डैश एक्स बन जाएगा। अब इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के यहाँ ऑपरेट कर दो, ठीक है, तो यहाँ ऑपरेट करेंगे माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस, ये क्या बचेगा भाई ये क्या बचेगा पहले पहला फंक्शन का डिफरें ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डिफरेंशिएशन डेल ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा वन, ठीक है, माइनस एक्स को ऑपरेट करोगे तो एक्स इंटू साइड एस एक्स आ जाएगा,
ठीक है भाई, इसके मल्टी ये इससे कट गया तो अंदर क्या बचा, माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस, बाहर तो ये रहा ये बचा माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस, और अंदर क्या बचा वन इंटू फंक्शन, फंक्शन को तो बाहर ही ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस, इसकी कम्यूटेशन वैल्यू क्या आगे माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद करना। देखो ये कम्यूट नहीं करे, तभी तो हाइजेनबर्ग ने बोला किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन बिल्कुल सर्टेन एग्जैक्टली निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं, क्या पी एक्स वाई के साथ कम्यूट करेगा, पी एक्स वाई के साथ कम्यूट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा हूं, तुम लोग चाहे सोल्व करके देख लेना, पी एक्स पी वाई के साथ कम्यूट करता है, पी एक्स जेड के साथ, Px z के साथ भी कम्यूट करता है, जब y के साथ करेगा तो z के साथ भी सिमिलरली करेगा। यानी हाइजेनबर्ग का सही कहना था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम और पोजीशन निकालना उसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हमारी डायरेक्शन पोजीशन बाई डायरेक्शन की हो और मोमेंटम हमारा x डायरेक्शन में हो तो आराम से हम उसके मोमेंटम और पोजीशन बता सकते हैं, लेकिन अगर दोनों पोजीशन और मोमेंटम सेम डायरेक्शन का होना तो कभी वो हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, तो हमने रिलेशन देख लिए, ठीक है, अब पी एक्स एक्स का देख लिया, अब पी एक्स एक्स स्क्वायर का देख लेंगे, किसका देख लेंगे पी एक्स एक्स स्क्वायर का, क्योंकि बाकी अगर वाई वाई की पावर कितनी भी आएगी तो उसके साथ तो कम्यूट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब मैं अगला एग्जाम्पल देख रहा हूँ, क्या पी एक्स और एक्स स्क्वायर का कम्यूटेशन, किसका पी एक्स और एक्स स्क्वायर का कम्यूटेशन वही फॉलो करेंगे ना भाई, इसको ऐसे ही लिख लेंगे पी एक्स एक्स इंटू एक्स का कम्यूटेशन। ठीक है, तो इसको वही लिखो पी एक्स, ये हमेशा प्रॉपर्टीज से चलना है, क्वेश्चन उतनी जल्दी होएगा, एक्स बाहर प्लस इधर क्या बाहर एक्स बाहर पी एक्स और इधर एक्स। ठीक है, देखो अब पी एक्स इंटू एक्स का कम्यूटेशन की वैल्यू क्या थी माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस, माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस, इधर क्या हो गया एक्स ऑपरेटर, एक्स ऑपरेटर इसकी वैल्यू क्या थी माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस। ठीक है, ये ऑपरेट होगा तो मल्टीप्लिकेशन नेचर का, माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस एक्स, इधर भी क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस एक्स टू माइनस टू आयोटा एच क्रॉस एक्स। ठीक है, तो देखो इससे भी एक जनरल रिलेशन आ गया, क्या अगर मैं जनरल रिलेशन की बात करूं, क्या अगर मेरा पी एक्स हो और x की पावर n हो, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ n आयोटा h क्रॉस x की पावर n माइनस वन के। इस रिलेशन को हमेशा याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और सिमिलरली पी वाई बाई के साथ कम्यूट नहीं करता, माइनस ऑफ आयोटा h क्रॉस देता है, तो पी वाई और बाई की पावर n क्या देंगे हमें माइनस ऑफ n आयोटा एच क्रॉस और y की पावर n माइनस वन। सिमिलरली अगर मैं z के लिए बात करूं तो pz और z आपस में कम्यूट नहीं करते हैं और ये क्या दे देंगे pz और z की पावर n हो तो ये क्या हमें देंगे माइनस ऑफ n आयोटा एच क्रॉस z की पावर माइनस वन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो हमारे मोमेंटम ऑपरेटर खत्म हो गए, अब यही हम बात करते हैं आगे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स की, किसकी बात करेंगे हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के कम्यूटेशन की। लेकिन उससे पहले एक और चीज देख लें कि अगर पी एक्स की पावर हो तो क्या हो, अगर पी एक्स की पावर हो जाए तो क्या हो, क्योंकि एक्स की पावर तो देख ली, अगर पावर पी एक्स की होगी तो भाई क्या होगा। ठीक है, तो वही अपना तो सेम ही रूल है, हमारे पास तो इतनी प्रॉपर्टीज है डायरेक्ट सॉल्व होएगा, अगर पी एक्स का स्क्वायर हो और इधर एक्स हो तो क्या हो जाएगा भाई कम्यूटेशन वैल्यू। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे के ऐसे ही एग्जाम के अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल डिट्टो एग्जाम के अंदर आएगा। ठीक है, तो पी एक्स स्क्वायर की बात करूं तो वही करेंगे पी एक्स इंटू पी एक्स, एक्स के साथ कम्यूटेशन वही का वही पी एक्स बाहर पी एक्स एक्स के साथ, ऐसे कर लो चाहे पी एक्स एक्स के साथ कम्यूटेशन पी एक्स बाहर प्लस इधर से क्या पी एक्स बाहर और पी एक्स एक्स के साथ कम्यूटेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा पी एक्स एक्स के साथ कम्यूटेशन क्या देता है माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस देता है, और ये पी एक्स क्या है माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स प्लस ये पी एक्स क्या है माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर यानी आयोटा एच क्रॉस का होल स्क्वायर डेल ओवर डेल एक्स प्लस इधर से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस का आयोटा एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा तो आयोटा एच क्रॉस का स्क्वायर डेल ओवर डेल एक्स।
तो ये क्या बन जाएगा, 2iota h cross का स्क्वायर डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, तो देखो ये भी एक जनरल रिलेशन बन गया। अब यहां से भी एक हम जनरल रिलेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब मतलब कोई मतलब नहीं बनता बार बार सेम एग्जांपल करते रहे, एक जनरल रिलेशन करेंगे डायरेक्ट उसके रिलेशन करेंगे, बाकी आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग वैल्यू लेके, 3 वैल्यू करो, 4 वैल्यू करके देखो। तो अगर मैं यहां से बात करूं px की पावर n और x की बात आती है, px पावर n और x की बात आएगी, तो इसकी जनरल वैल्यू, इसकी जनरल वैल्यू क्या होती है, n iota h cross की पावर n del over del x की पावर n minus 1। ठीक है, देखो ये वैल्यू बन जाती है n iota h cross की पावर n del over del x की पावर n minus 1। ठीक है, ये इसका एक जनरल रिलेशन बन जाता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद में, अगर हाँ लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर कहीं ऐसा हो ना, देखो जैसे हमने पढ़ा px x की पावर n का ऑपरेटर पढ़ा, तो ये क्या हो जाता है माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, फिर से हम वो गलती नहीं करेंगे कि अगर हमारे पास गिवन हो कि px की पावर n और x की पावर n, तो कभी इसको हम लिख दें कि n iota h cross की पावर n del over del x की पावर n माइनस 1 और m x की पावर m माइनस 1। ये बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, इस तरीके से इक्वल नहीं होगा, हमेशा इसको क्या करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, हमेशा इसको क्या करके देखेंगे, सॉल्व कर देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के कम्यूटेशन की। ठीक है, अब इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट स्टार्ट होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का कम्यूटेशन। ठीक है, देखो जैसे कि हमारे क्या होते हैं मोमेंटम ऑपरेटर, तीन होते हैं ना, px, py, pz, उसी तरीके से हमारे पास तीन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होते हैं, क्या lx, ly और lz, क्या हैं lx, ly और lz ऑपरेटर होते हैं। ठीक, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर से मैं एक प्रॉपर्टी, छोटी सी प्रॉपर्टी बीच में बता देना चाह रहा हूं कि कोई भी लीनियर ऑपरेटर, एनी लीनियर ऑपरेटर, अगली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम कि एनी लीनियर ऑपरेटर, एनी लीनियर ऑपरेटर कम्यूट विद, कम्यूट विद किससे, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी के साथ कम्यूट करता है। ठीक है, मैं बात करूं, अगर अगर मैं बात करूं किसी भी लीनियर ऑपरेटर की, मेरे जितने भी क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर हैं लीनियर ऑपरेटर है भाई, px भी मेरा लीनियर ऑपरेटर ही है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं px का कम्यूटेशन किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से, 1 के साथ देखो ना, 1 कोई कांस्टेंट हो गया ना, 1 क्या हो गया, कोई कांस्टेंट हो गया, 1 देख लो, 2 बना लो, कुछ भी लिख लो इसे। ठीक है, इसके साथ कम्यूटेशन देख लो तो हमेशा कम्यूट करेगा भाई, 0 आएगा। ठीक है, या मैं बात करूं कि px का मैं कम्यूटेशन फाई के साथ देख लूं और फाई मेरा क्या हो, कोई कॉन्स्टेंट हो, क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, तो इसका कम्यूटेशन भी हमेशा 0 आएगा। ठीक है।